हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में हम नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम्स रिलेटेड टॉप 40 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसमें जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यह क्वेश्चन नाबार्ड एग्जाम के अलावा अदर एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल हैं। अगर इस वीडियो का फ्री PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। यूनेस्को की कार्य भाषाएं, देखिए यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। यूनेस्को इसकी कार्य भाषाएं 6 हैं। यह 6 भाषाएं हैं, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, अरबी और स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? डैश, देखिए तांबे के आवरण वाला बापू टावर बनाया गया है, सही आंसर है ऑप्शन है बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में बारामुंडा यानी ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है? डैश, देखिए भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है कृषि, सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि यानी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? देखिए कोयला नगरी कहा जाता है धनबाद को, सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी सिटी ऑफ कोर्स धनबाद शहर को कहा जाता है। और यह किस राज्य में है? तो धनबाद शहर यह झारखंड राज्य में, सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए भारतीय स्टेट बैंक इसका मुख्यालय है मुंबई में, सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में। और भारतीय स्टेट बैंक इसे पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, साहित्य के लिए। देखिए भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार यह वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लोकोक्ति किसकी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन की। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यह लोकोक्ति है चार्ल्स डार्विन की, सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई को। देखिए वन महोत्सव यह जुलाई के प्रथम सप्ताह 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। वन महोत्सव की शुरुआत भूतपूर्व केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री के.एम. मुंशी यानी कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर यह तमिलनाडु के दूसरे सबसे बड़े और औद्योगिक शहर कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो है? डैश, सही आंसर है ऑप्शन बी, संग्रटा पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारा यानी टैगलाइन जस्ट डू इट किस ब्रांड या उत्पाद से संबंधित है? देखिए टैगलाइन जस्ट डू इट यह है, सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम यानी EEG निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मस्तिष्क यानी ब्रेन की निगरानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से
दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC कब स्थापित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1956 में। देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में। देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम यह वर्ष 1977 में राजस्थान राज्य से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है डैश? सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। देखिए, गंगा डेल्टा यह विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 जुलाई को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ मैत्री अभ्यास 2024 का आयोजन कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, थाईलैंड के साथ। किस राज्य ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। सही आंसर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का प्रकाशन किया था, और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है डैश? देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने मार्च 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल हुए थे? देखिए, प्रथम एशियाई खेल यह हुए थे नई दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। देखिए, अनुच्छेद 19 एक जो वाक और अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी द्वीप अवस्थित है डैश? देखिए, फिजी द्वीप यह है प्रशांत महासागर में। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। रिपब्लिक ऑफ फिजी द्वीप यह दक्षिणी प्रशांत महासागर का द्वीपीय। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा को लागू की गई थी डैश? सही आंसर है ऑप्शन सी, जनता सरकार के द्वारा। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है डैश? सही आंसर है ऑप्शन सी, बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विकास फोरम यानी IDF सबसे पहले जाना जाता था? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत सहायता क्लब। देखिए, भारतीय विकास फोरम यानी IDF को शुरुआत में जाना जाता था भारत सहायता क्लब के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था डैश?
सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य उदारीकरण और निजीकरण और भूमंडलीकरण लक्ष्य रखा गया था। भारत सरकार ने जुलाई 1991 से नई आर्थिक नीति को एलपीजी से संबोधित किया था, जिसका अर्थ है, एल से होता है लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण, और पी से होता है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी से होता है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा छापा जाता है डैश। देखिए भारतीय मुद्रा यह छापा जाता है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है डैश। देखिए जीवन बीमा निगम यह एक उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन सी, निवेश बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से एक अंश है डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, सहकारी उधार ढांचा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, मानव शरीर में पैर की हड्डी है डैश। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।